नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जो आपका कानून का शासन सूचकांक 2020 आया हुआ है, उसी के संदर्भ में आपका आर्टिकल लिखा गया है। तो देखेंगे कि एक जारी कौन करता है, इसका एक सामान्य परिचय भी देख लेंगे। विधि के शासन से तात्पर्य क्या है, आखिर ये शब्द होता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। भारत में विधि का शासन देखेंगे और विधि के शासन के सामने जो समस्याएं हैं, सीमाएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। और भारत में कानून के शासन का विश्लेषण भी हम लोग कर लेंगे, यानी कि लगभग लगभग सभी पक्षों पर हम लोग नजर डालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके भी कुछ सुझाव हो तो आप भी नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। भारत में विधि के शासन की प्रथा। हाल ही में एक स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तैयार की गई कानून का शासन सूचकांक 2020 में भारत को 69वीं रैंकिंग मिली हुई है। इस सूचकांक में दुनिया के 128 देशों को शामिल किया गया था। एक याद रखिए आप लोग, 128 में से आपको 69वीं रैंक मिली हुई है। आप कह सकते हैं कि कुछ खास अच्छी रैंकिंग नहीं रही आपकी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इस तथ्य का विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि विभिन्न देशों में कानून के शासन के सिद्धांत पालन व्यवहार में कहां तक किया जा रहा है। इसके जो आयाम है, यानी कि जिसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, उसके कौन कौन से आधार हैं। शासकीय खुलापन, सरकार की शक्तियों पर अंकुश, मौलिक अधिकार यानी कि जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उन पर, दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर अंकुश, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, ये सभी आपके इसमें सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। एक तरह से आप देख रहे होंगे कि लोकतंत्र का जो उद्देश्य होता है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। मौलिक अधिकार आप भी जानते हैं, आपके लिए मौलिक अधिकार, आप एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तब मौलिक अधिकार आपके लिए और जरूरी हो जाते हैं। शासकीय खुला यानी कि ओपन गवर्नमेंट आपके लिए जरूरी हो जाती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना आपके लिए जरूरी हो जाते हैं, करप्शन। वैसे आप याद रखिए, अगर चाइना का बुरा इंडेक्स आता है, पाकिस्तान का बुरा इंडेक्स आता है, तो हम लोगों को उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना में क्या हाल है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हाल है, किस तरह से सरकार पर अंकुश रहता है, कभी सेनाध्यक्ष तख्ता पलट कर देता है और अधिकतर कामों में आपने देखा है सेना का वहां हस्तक्षेप दिखाई देता है। लेकिन एक हमारा बहुत बढ़िया तरीके से, आपने सुना होगा कि लोकतांत्रिक हमारे यहाँ, जो सच्ची लोकतंत्र का मतलब होता है, वो हमारे यहाँ देखा जाता था। लेकिन अब आपने देखा है कई जगह से आपके देश पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हमारे यहाँ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट सूचकांक 1,30,000 से अधिक घरों और 4,000 कानूनी चिकित्सकों और विशेषज्ञों के एक सर्वेक्षण के परिणाम पर आधारित हुआ गया, यानी कि इन लोगों को शामिल किया गया जो यह मापता है कि दुनिया भर में कानून के नियम को कैसे माना जाता है और अनुभव किया जाता है। कवर किए गए देशों में विभिन्न राजनीतिक और न्यायिक प्रणालियां, आर्थिक स्थिति, जातीय सामाजिक विशेषताएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनसंख्या जटिलता और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं देखी गई इसमें। विधि के शासन से आखिर तात्पर्य क्या है। एवी डोएसी ने 1885 में अपनी पुस्तक लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में कानून के शासन की व्याख्या की थी। उसमें उन्होंने शासन की तीन अर्थ बताए, कौन कौन से हैं। विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कानूनी समानता यह है कि हर किसी के लिए एक समान कानून है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। यानी कि आप सोचिए कि हमारे एक, आपने देखा होगा कि आपको धरना प्रदर्शन करने की छूट है, आपको बोलने की छूट है, आपको मौलिक अधिकार है 19(1)(1)(1)(1) के तहत आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा लेंगे, आप दंगे फसाद करवाने लगे, आप मतलब किस तरह से, इस तरह से कोई उपद्रव, मतलब इस तरह से काम बोलने लगे जिससे देश की अखंडता को, हमारे देश को नुकसान पहुंचे, तब आपकी बोलने की पाबंदी भी बंद हो जाती है, पाबंदी लग जाती है और आपको उस बोलने में आपको दंडित भी मिलेगा। अगर वैसे आप लोग अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छे धरना नहीं दे रहे, धरना दे रहे हैं अच्छे कामों के लिए, कोई आप सोचिए, आप कहेंगे कि संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है, तो आप एक कोई उग्रवादी संगठन बना लेंगे, तो इस पर देखिए पाबंदी है, ठीक है।
समाज सेवा के लिए आप कोई संगठन बना रहे हैं, कोई पार्टी बना रहा है, बना सकते हैं बिल्कुल। वैसे भी आपके देश में देखते रहते हैं कितनी सारी पार्टियां हैं, तो आप भी बना सकते हैं। विधि के शासन की तीसरी शर्त है कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा, यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट की बात या किसी भी हाई कोर्ट की बात की जा रही है। संविधानिक इतिहासकार आइवर जेनिंग्स ने विधि के शासन को आनंद घोड़ा के रूप में चिन्हित किया है। उनका मानना था कि विधि के शासन को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में यह कुछ सिद्धांतों, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। थॉमस फुलर के अनुसार कानून के शासन का एक और मूल सिद्धांत है, और आप कितने ऊंचे क्यों ना हो, आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कानून आपके ऊपर है। इसलिए कोई भी, चाहे वह प्रधानमंत्री, स्पीकर, इमाम, आर्क बिशप, शंकराचार्य या फिर न्यायाधीश हो, वह कानून में से बंधे हुए। सीधा सा मतलब है कि आपका प्रधानमंत्री, अगर आप सोचिए कि कोई भी कानून है कि प्रधानमंत्री को छूट दे दे और कोई गरीब आदमी है उसे सजा मिले, ऐसा नहीं है। सबके लिए कानून बराबर है। जो भी आपके सिद्धांत हैं, जो भी मूल सिद्धांत है, वो सब पर लागू होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी जो लोकपाल आया हुआ है, इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। प्रधानमंत्री को भी इसमें आप लोग देखेंगे, अगर प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचारी निकलते हैं तो उन्हें भी बराबर सजा मिलेगी, यानी कि दंडित किया जाएगा। भारत में विधि की शासन की अगर हम बात करें, तो विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों की समता, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, देखिए, आप सबको बराबर हर तरह से अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आपने एक असमानता देखी है कि अभी भी आप देखते हैं कि कई लोगों पर, मतलब कई गरीब ऐसे हैं कि जो कानून की सबसे ज्यादा उन्हें भी, मतलब मुझे लगता है कि कानून जो बनाया गया उन्हीं के लिए स्पेशल बना दिया गया है। कई क्षेत्रों में आप इस तरह के देखते हैं, अभी भी आप देखते हैं अस्पृश्यता, यानी कि भेदभाव अभी भी आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं आंकड़ों को उठा उठाकर जो आपका ये इंडेक्स बनाया गया है, इसी आधार पर आपको 69वीं रैंक दी गई है। अगर कमी ना होती हमारे देश में जो भी कानून व्यवस्था है, तो आप सोचिए बेहतर हमारा इंडेक्स रहता, इंडेक्स में जो भी रैंकिंग होती आपको बेहतर मिलती। लेकिन कुछ तो कमियां हैं, तभी तो इतनी बुरी स्थिति में हम लोगों को दिखाया जा रहा है। 69 कोई आप अच्छी नहीं कह सकते हैं, समझ रहे। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसमें राज्य की तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कानून के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए बाध्य है। विधि के शासन के अंतर्गत व्यक्ति संबंधी सभी स्वतंत्रताएं इसमें शामिल मानी गई है और इसे संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। विधि के शासन के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के द्वारा संवैधानिक सीमाओं के अंदर अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यदि उनके द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है या सीमा से अधिक किया जाता है, तो जनता उनके आचरण को चुनौती दे सकती है और न्यायालय उनके आचरण में सुधार करेगी। आप जानते हैं कि कोई भी आपके अधिकारों का उल्लंघन करे, तब भी आप लोग देखते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और 226 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले आपने एक धार्मिकता, मतलब सभी लोगों की धर्म के आधार पर क्या स्थिति है सभी देशों में, उसमें भी आपने देखा होगा कि अमेरिका निकालता है, अमेरिका की एक एजेंसी, तो उसमें देखा था आपने कि हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया है, यानी हमारे देश में भेदभाव एक समूह के साथ, फिर चाहे आप मुस्लिम ले लीजिए, फिर ईसाई, चाहे जैन, इस तरह भेदभाव करने की बात की जा रही है, वह हमें पाकिस्तान के साथ रख दिया है। पाकिस्तान के साथ रखने का आप मतलब समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में हम लोगों को वहां खड़ा कर दिया है हमने। विधि के शासन के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों को मनमाना विवेकाधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति के पास विवेकाधिकार की असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। सभी व्यक्तियों को विवेकाधिकार का प्रयोग विधि के अनुसार दी गई शक्तियों के अंतर्गत करना होता है। यहां तक कहने का मतलब यह है कि आप अधिकारी किसी भी, चलिए मान लीजिए आप बैंक में जा रहे हैं, आपको कुछ काम करवाना है, वहां अधिकारियों को मनमाना कोई भी अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वो आपको भगा दें वहां से जाकर। उनका कर्तव्य है कि आप जो भी बोलें वो करें, समझ रहे हैं। जो भी बोलने का मतलब है कि जो भी आपका काम है उसे करें,
लेकिन आप देखते हैं, आप अभी भी बैंक में जाते हैं तो आपको बेवकूफ बना दिया जाता है। और मैंने तो यहां तक देखा है कि एक तबका जो गरीब है उसे लाइन में लगने के लिए कहा जाता है, एक जो बड़ा है सीएस से उसे एक अलग से वो अंदर घुसते हुए केबिन में जाके अपना काम करवा लेता है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। विधि के शासन के अंतर्गत सभी विधि के उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाता है। सभी व्यक्तियों पर देश का संपूर्ण कानून बराबरी से लागू होता है। कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं माना जाता। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी नेता के को विशेष छूट नहीं होती है। ना तो यहाँ प्रधानमंत्री को छूट है, ना राष्ट्रपति को, ना ही किसी भी को। आप सोचिए, फिर भी आप लोग भेदभाव देखते रहते हैं। जो आप भेदभाव देखते हैं इन्हीं को इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है और इसी आधार पर आपकी सूची बना दी गई। मैं बार बार एक शब्द पर दोहरा रहा हूँ, ठीक है। भारत में केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि का शासन संविधान की मूलभूत संरचना है। बाद में जबलपुर एडीएम बनाम एस के शुक्ला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ही विधि का शासन है। वर्ष 1981 में एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा था कि न्यायाधीशों को आर्थिक या फिर राजनीतिक शक्ति के सामने सख्त होना चाहिए, उन्हें विधि के शासन के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। अगर आप सोचिए कि न्यायाधीश अगर भ्रष्टाचारी निकल आते हैं और इन पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है, तो हमारे देश के जो भी एक तबका है जो जैसे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, उनका भरोसा उठ जाएगा। भारत में कानून के शासन नागरिकों और गैर नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, जो भी आपके यहाँ के कानून है। अब बात करते हैं हम लोग विधि के शासन की सीमाएं आखिर क्या है। आज बदलते विश्व परिवेश व राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप कानून के शासन का अर्थ भी बदल गया है। आज कानून के शासन को चुनौती देने वाली व्यवस्थाएं जन्म ले चुकी हैं। विधायिका के पास कारोबार की अधिकता के कारण आज कुछ मामलों में कानून को विस्तृत और व्यापक रूप कार्यपालिका ही देती है। यही व्यवस्था प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाती है। इस प्रकार कानून संसद के हाथों से निकलकर कार्यपालिका के पास आ चुका है। आज अनेक देशों में राजनीतिक गतिविधियों व कर्मचारियों को विशेष अधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। अपने गलत कार्यों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों पर मुकदमा विशेष परिस्थितियों में ही चलाया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों को स्पेशल शक्ति दे दी गई, यानी कहने का मतलब ये। आज अनेक देशों में सैनिक व्यवस्था को पूर्णतः स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। सेना के अपने न्यायालय व बोर्ड होते हैं जो सैनिकों द्वारा दिए गए अपराधों की जाँच करते हैं व सजा देते हैं। सैनिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध किसी तरह की अपील साधारण न्यायालय में या फिर कहीं भी नहीं की जा सकती है। भारत में सैनिक न्यायालयों को अलग बात स्वतंत्र दर्जा प्राप्त है, यानी कि जो भी सैनिक न्यायालयों में फैसला होगा उनका, उसके विरुद्ध कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत, अमेरिका आदि देशों में नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं का जन्म संवैधानिक प्रावधानों की देन है, ना कि न्यायिक निर्णयों की। भारत में कानून के शासन का अगर हम लोग विश्लेषण करें तो वर्षों से भारत आतंकवाद से पीड़ित है, जिसे दृढ़ता से लड़ने की जरूरत है। हालांकि आतंकवाद रोधी कानूनों में ऐसे प्रावधान नहीं होने चाहिए जो मानव अधिकारों को छीन करते हैं। एक कानून जो संदिग्ध आतंकवादियों की हत्या की अनुमति देता है या फिर कार्यकारी शक्तियों द्वारा सुनवाई के बिना निरोध को वैध बनाता है, वह कानून के शासन का विनाशकारी रूप है। इसके अतिरिक्त नकली मुठभेड़ों और मुठभेड़ विशेषज्ञों का कानून के शासन के आधार पर सरकार में कोई स्थान नहीं है। आपने ये आपका पॉइंट वहीं से ले लिया गया। आपने अभी राजा मानसिंह का सुना है ना, राजस्थान का एनकाउंटर जो हुआ था, 35 साल बाद फैसला आया, उसमें नकली एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर निकला। उसमें आपके 11 एक डीएसपी रैंक का और 12 10 11 के करीब आपके पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो इस तरह से आप भी देखते हैं मुठभेड़, ठीक है, नकली, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार और पुलिस मिलकर इस तरह के काम करते रहते हैं। जब शासन कानून कायम रखने में विफल हो जाता है तो यह लोकतंत्र और समानता मौलिक अधिकारों के लिए खतरा की तरह है, जो संविधान के आधारभूत सिद्धांत हैं। फिर भी भारत में कहीं से कोई असंतोष की स्वर नहीं सुनाई देते, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अक्सर प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रभावी लोगों की कमी के कारण कानून अपने काम सही ढंग से नहीं कर पाता है और यह भारत के शासन संरचना के लिए गंभीर समस्या का कारण बनता है। भारतीय अदालतों में वर्तमान में कई मामले लंबित हैं, जिस दर पर न्याय मिल रहा है
उसमें तभी सुधार होगा जब प्रत्येक मामले को कुशलता से सुना जाए। आप समझ सकते हैं कि इसी मानसिंह वाले, राजा मानसिंह वाले केस को ले लीजिए, इतना टाइम लगा कि 35 साल। आप सोच सकते हैं कि 35 साल बहुत लंबा समय होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि मुझे लगता है कि एक आदमी अगर उस समय जेल में बंद हो जाए और 35 साल बाद उसे मालूम चले कि वो निर्दोष है तो उस पर क्या बीतेगी, यानी कि उसकी तो जीवन लगभग खत्म ही हो गया होगा। कई मामलों में ये देखा भी गया है कि 15 से 20 साल तक कोई व्यक्ति जेल में रहा, उसके बाद फैसला आया उसका, दोषी से कह दिया कि तुम निर्दोष मुक्त हो, यानी कि कोई अपराध नहीं किया है आपने। तो आप सोचिए 20 साल उसने जेल काट ली, उसके बाद उस पर क्या बीतती होगी। एक समय निर्धारित होना चाहिए, मेरा मानना है कि इतने समय में हर केस का फैसला आ जाना चाहिए। आगे की राय क्या हो सकती है, COVID-19 महामारी के संदर्भ में देखा जाए तो कोई भी राष्ट्र न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में बल्कि कई मानवीय गतिविधियों में त्वरित निर्णय लेने और त्वरित कार्यों के लिए संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो आपातकालीन स्थितियां सामान्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा नहीं करती। असाधारण समस्याओं के साथ असाधारण कठिनाइयों से निपटने के लिए सरकार के पास अधिकार हो सकते हैं, लेकिन राज्य की शक्तियों को मनमाने ना होकर कानून के नियम के अनुरूप होना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण कई देशों को इस जानलेवा महामारी से लड़ते हुए व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित मामलों में बलिदान करने पड़ते हैं। COVID-19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ हद तक आने जाने की स्वतंत्रता, पारदर्शिता आदि पर नियंत्रण राज्य द्वारा लगाया गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या महामारी का इस्तेमाल निजी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के रूप में किया जा सकता है, जब कुछ देशों में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो भारत जैसे देश में कानून के शासन की नींव काफी मजबूत है, जो हम महामारी से होने वाले खतरों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। विधि शासन की स्थापना और सुरक्षा आसान नहीं है, यह काफी कठिन है कि सभी संस्थानों को अपने कार्यों को निर्धारित कानून के अनुसार करने की आवश्यकता है। समान रूप से लोगों को कानून के सम्मान करने और कानून संस्कृति का शासन विकसित करने की आवश्यकता है। यदि कोई कानून के लिए खड़ा नहीं है तो विधि शासन को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। एक बात और याद रखिए, जैसे आप समझिए कि आप लोग जूम ऐप, इस तरह के कई एप्लीकेशन थे जो आप वीडियो कॉलिंग के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ भी काम किया जा सकता था। तो मेरा मानना तो है आपको संसद में जो भी फैसला होने चाहिए थे इस समय, जो भी देश के हक में लेने चाहिए थे, एक पूरा ग्रुप बना के आप लोग, मतलब संसद की तरह एक मतलब प्रक्रिया चल सकती थी, सुप्रीम कोर्ट भी चल सकता था। आप सोचिए कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा सभी हो सकता था, लेकिन हम लोग पूरी तरह से घर में बैठ गए। इससे आप देखेंगे कि इनका फैसला जो भी जिसने आप किया उनमें भी फैसला बहुत मुश्किल से आया हुआ। अभी 3 महीने में तो आपने देखा है किस तरह से पूरा ठप पड़ा हुआ है। चलिए, तो ये आपकी जो आपका इंडेक्स आया हुआ है और भारत में विधि के शासन की प्रथा भी आप लोगों ने देख ली है।